रब ताला ने करम फरमाया, फजल फरमाया। याद रखो पटवार लियो, मैं जेडी गल कर रहा है, रब ताला ने कुरैशी अनवर के रूप में अल्लाह पाक ने तुम्हारे पटवार से करम किया, ऐसी अस्थि तुम्हें दे दी थी। कुरैशी अनवर दुनिया जात के अकलस की कदर है, पटवार चो बाहर कर दो, तुम्हारे पटवार को नहीं बचन लायक कुछ नहीं। शेरवानी शाही ने वाले उन्हें सुबह रब ताला ने करम किया, मेरे रूहानी उस्ताद प्रोफेसर मौसीकी चौधरी मोहम्मद अकरम गुज्जर रहमतुल्लाह ताला अलैह सरकार ने रूप में जिन्हें अपने असलाफ ने मकसदियत की समझनी होया शेरखानी की उस डगर में पेश किया, जिसने विच कई सिख कलमा पढ़ के मुसलमान अपने असलाफ नी रीत की जिंदा रखने आयो, जिसले उन्हें शेरखानी की मकसदियत की समझिया उस वेला मेरे दोस्तों कई सिखा में कलमे पड़े। तो आज ना प्रोग्राम मिला, जिस वेले ना से की प्रोग्राम लगा आज तक जेड़े फोन असर की वो सुन लई उन्हें सु पता चलिया कि आज ना प्रोग्राम चैलेंज प्रोग्राम इल्म विच चैलेंज नहीं, हर इल्म वाले पर अल्लाह ना कुरान हणा एक इल्म वाला बैठा वा अंदरू आशिक सा, मैं अंदरू नाल मोहब्बत करना सा, लेकिन इन्होंने सर्टिफिकेट देने नाल उन्होंने शमला उच्चा नहीं होना, उन्होंने शमला थ्याई उच्चा सा ता क्यामत रहसी जब तक ये फन जिंदा आ उन्हों की लोग याद करने दा सन याद करने पे समझे हो। मैं चूंकि असल दुखे लगना कि आज दिन तक इन्होंने मुंह मैं नहीं सुने के मारे उस्ताद बाबा आरफ साहब भाई अपने बुजुर्गों का नाम कि नहीं ना कि शहर मसना तुसा अमूमन तख्या उसी ऐ जनिया कापियां चाहिए होनिया चंदा बराए मस्जिद है वो कुछ बनी भी है लाहौर वो जने ने पुत्र उठा मुसलमान को नहीं एक कम असा ना करन देने मेरी सिर्फ ये दुखा बाकी इलमी कोई मुकाबला को नहीं चैलेंज को नहीं सारा ना सा चैलेंज करने याद ना करने जो याद ना कुछ आ गया की ता तो ना ये वही सना गल पहले गल हुई है सुनो सुनो राय साहब एक मिनट तशरीफ रखो आवाम सुनने दी आई हुई दाद देना तो ताड़ी बजाना उन्होंने हक है। नंबर दो जिस वे तुसा हूं इे गुफ्तगु ने जुमरे जी रस हो तो त्रै धोने पे अल्लाह ने हुक्म नाल रही गल चुके इना गल भाई इस गल ना जवाब देना और जवाब घंटे ना नहीं जवाब दो मिनट के अंदर मोहतरम देसन उस तू बाद शेरखानी शुरू मेरे दोस्तों सब तो पहले राय साहब अगर मैं गुजारिश कर सा ये साढ़े भराए इन्हों केड़ा लकब मैं केड़ा लकब चौधरी अकरम अली रहमत सरकार की दिता जिन्हों इन्हें माड़े पर सवाल किया पहले उस लकब ने माड़े पर दसन के मैं केड़ा चौधरी साहब की लकब मैं अपनी तरफों दिता उन्होंने तो बाद अगली गल मैं तुम्हें दसा मेरा उन्होंने रूहानी के तलक है भावे आरफ साहब ने जो मामला वो मैं तुसा ने सामने खोल सा लेकिन पहले जरा इस गल की खोलो कि मैं चोई साहब की अपनी तरफों के लकब दिता मेहरबानी कर चुप करो जी चुप करो गल हूं सुनो जी हूं गल सिर्फ एक मिनट ही राजा कर सकते इस तू उपर नहीं हूं उस तू बाद एक मिनट तू उपर भी नहीं करी सकने मैं अर्ज की माड़ा लकब न कोई तालक नहीं है मैं सिर्फ ये गल की कि मसनूई चेहरा सामने ना करो झूठ ना मारो मिगी रूहानी की डेफिनेशन दसो जेड़ा तुसाने पर राती तुसें इच्छी ख्वाब है सिखाने ये गल पाओ भाई तुसा अपने अपने ना नाम किनो कि शर्मा रहे हो मैं ना उन्होंने भी नाम किनो असा की दुखे आ और कुछ भी नहीं और दूसरी बात तुसा प्रोफेसर मौसीकी नहीं गल बाने हो मैं गुजारिश कर सा एक टोटल एक मिनट तुसा को लै सा प्रोफेसर मौसीकी मेरे उस्ताद राजा आबद सरकार पूछो किस तरह महफिल शेरवानी शुरू हुई सिर्फ कड़ा और सितार ए बाजा उन्होंने ईजाद तबला उन्होंने ईजाद जमीन पर उठारी स्टेजा पर उन्होंने बालिया ये साउंड असा कि उन्होंने दिता तो हूँ यूरोप मुल्क भी असा कि लोग सुनने पे असा तो आने आए सारा क्रेडिट मेरे उस्ताद ग्रामी राजे आबद सरकार की जाना सारे कोई इतराज नहीं चौधरी साहब का
उन्होंने कोई इतराज नहीं। असं आने कि सिर्फ झूठ ना मारो, ये सरासर यकीन करो झूठ मार रहे मैदान मौला जी सरकार ना। मैं इतों अंदर तुम सामने गल करना है दोस्तों, इस गल दोए लगे रासन तक गल मुकन नहीं लगी। चौधरी अकरम गुजरा की प्रोफेसर मौसीकी इस जने नहीं आख्या, बस इस तू बाद गल नहीं है। शेर पढ़ो मेरे दोस्तों, शेर ता पढ़ सा कोई सारा साउंड लग सी दे ताना ए दिसना फूड़ी डाणियों डाणियों लो ही गया सी। ते बाकी रिया मामला बुजुर्ग आखने जिड़ा आपू बेईमान होना सारे की बेईमान समझना। जिसरा साईं साहब आख्या फिटे होए खंजवीर नू सूर दिसदे, बाकी रिया मामला राय साहब तुसी अपनी तरफ जोर लो असी अपनी तरफ जोर लाने आ। रब जिस की पिड़ दे दिता। मैं चौधरी अकरम ना रूहानी शागिरदा, मैं चौधरी अकरम ना रूहानी शागिरदा, मेरे उस्ताद ने ललकरे मारी दा जने टाया होए। मैं उस नसल नाल तल्लक रखना, ललकरा मारी दा जने की टाणे आ फुद्दू ना पिछे बैठ के गल करा। मैं अल्लाह दी मेहरबानी नाल चौधरी अकरम ना रूहानी शागिरदा, मेरी आवाज इचो और मेरे बोलने विचो अगर चौधरी अकरम सरकार नी खुशबू ना छै ए गल आखे के तू कूड़ मारना है। बदमाशी स्टेजा पर थे ही कोई नहीं ना, इतने दो जने ना पता लग सी सितारे नाल केड़ा बोलना पिया, शिकाई कितनी करना। जेड़े लफ्ज मेरे भाई मुज्तबा ने बोले दो लफ्ज उन्हें की अजफ किया जाए, उन्हें की खत्म किया जाए, एक काबिले मुसम्मत है स्टेज पर ये लफ्ज दोए बोलने अच्छे नहीं। दूसरी चीजें सुनो, राजी नहीं, नहीं 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 और कोई जवाब नहीं, सुनो हेलो शेर खोजी है कोई आदमी स्टेज पर बदमाशी की गल नहीं करी सकना, असो ना करण देने लिहाजा दो जने शेर बोलो सतारा छिको जो मर्जी आ करो वो तुसा ना अपना फागा, इसे तू बाद कोई हरकत नहीं करना। गल सुनो जी भाई जी, राज साहब खिलाफ अदब कोई गल करसो मैं तुसा को माइक पकड़ी दिन से, खिलाफ अदब कोई लफ्ज ना बोलसो। पहली बात यही है जेड़ा बंदा गुस्ताखे रसूल आ मैं उस नाल मुकाबला ही कोना करना। भाई ना छाती पर हाथ मारिया भाई मैं उन्होंने ना रूहानी शागिर्द हाँ, इतों ए तक ही कहना है उस्ताद नी गली ने कुत्ते ने भी बंदा इतराम करना दे रहा पुत्र इस डांगा मारने पे कि मुहबत थी तुसा नहीं। झूठ ना मारो, झूठे पर खुदा नी रात लानत पे जी। सो रखो जी इस्तेमाल किए और दोबारा इन्हें इस्तेमाल किए तो कुछ हो रोसी स्टेज पर फजूल बाग बाग भी नहीं चंगी लगनी। तकलीफ तुसा की हुई महफल खलल बने रहे बंदे भी मैं कोई गल नहीं भाई, झूठ ना मारो फजूल। बा खुदा जिस तरह
इन्होंने दो जने आज प्रोग्राम शुरू किया इस तरह ना इन्होंने उस्ताद ना किया ना इस तू पहलू असा इस तरह प्रोग्राम होना तक याद न सुनिया ब्राए मेहरबानी करी जिस तरह यावर साहब ने दसिया इस तरह प्रोग्राम इलम नाल शुरू करो सतारा घड़े जितने मर्जी छिको हर शहर नाल चार चार गल्ला पक्कियां दलाल नाल बस मेहरबानी करो एडवर्ड जी चौधरी अकरम साहब का कसूर कीता एक जना उठना उसने क्या ले बना दुबारा राजे आबद साहब विषय ले बनो इथे मौजूद कोनी तुसा अपने उस्ताद नी बेइज्जती कराना चढ़े इज्जत करना चढ़े हो जरा टाइम ना आप कोई बंदा अपने उस्ताद नी ना ना किसी एक मिनट खलो जी गल सुनो प्रोग्राम शुरू करो बेहतरीन तरीके नाल ना चौधरी अकरम हुन के अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे उसना नाम बदनाम करो ना राजे आबद साहब ना नाम बदनाम करो मेहरबानी करो अपने अपने शेर जो कुछ तुसा जो कुछ कहिया कुआड़े चाहे वो लोका ही दसो समझ आई ना गल या नहीं तुसा आप दसो कितना फनकार हो बस गल हुण इस दे मामला थोड़ी देर वास्ते हस्ते आए एक दफा सारे प्राक कलमा शरीफ याद कराओ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम चंद लम्हा सारे जड़े सा जिना मुझे आसन हस्ते आए उसने सुबह महफिल शेरफानी अल्लाह जिसकी आज पिंड देसी मेरे दोस्तों
होना गल्ला पर पाबंदी है उन शेरों की दुनिया में अस कोशिश कर सा सबाना की महसूस करिए लेकिन मैं उस्ताद वाला बंदा इंशाल्लाह ताला पूरी रात स्टेज पर कोई बदतमीजी ना लफ्ज़ ना सुन सो तो ना ही माड़ी जबान गवारा करनी मैं अजा कोई लफ्ज़ पेश करा अगर रफ्ता रफ्ता शेरों में यह अपने उस्ताद ने भी वजात कर सन तो जे गंदे ना लफ्ज़ बोले उन्होंने भी इबादत ना की करनी चाहिए वैसे मैदान मौला जी सरकार ना सुनते रसूर रखी वह दी गल नहीं बानी चाहिए वाह जी वाह अल्लाह वाले शेर वाले आया
बाकी ना बड़े फखर ना लाख्या मैं उस्ताद ना बंदा याद रखा है जिता ही ना सुर रखी दे शेर बोलिया है बे उस्ताद ने ना कम उस्ताद ना लिया ना बे उस्ताद ने लोग कम कम उस्ताद ने लिया ना नहीं सितार इना नहीं मर्दी नहीं ते शेर मेरी मर्दी है गल है सितार राय साहब जी से जुड़ाई मैं शेर इधर बोल सा राय साहब माइक की नहीं देगा दसम मेरे शेर ना शेर दे सा जी राय साहब फरमा सो आज मना क्या भाई जी नहीं नहीं गलत है उन्हें की शेर बोलना चाहिए ना धरो भाई जी सवाल जवाब बात नहीं गलत इन्हें की शेर बोलना चाहिए उसको बात निकाल दो नहीं राती सादा सांग लाई रखो ओ छोड़ो ओ पमे अपनी सारा पर बोलन तो पमे नहीं पर अपना शेर पढ़न उस तो बाद है जवाब दे फिर दोस्तों गली गले है गली तक गल है के सार यार साहब की है मैं टन्ना विच पर सेवा आया वा शेर नो बोलने तो मैं बोले है सब तो सब बोलने निकल कर सलाम सारी बोल बहुत शेर बोलो ना पढ़ो
जरूर याद रखा है जिथे प्रोग्राम होना पाया कम अज कम अज कम 40 टेलीफोन करी के मिकी बुलाया गया मैं बगैर दावत तू ना आया दूसरी चीज है जड़ी गल्ला तुसा ये शरखाना नहीं उसने साड़ा कोई तलक नहीं साड़े वास्ते दोए बराबर हो हुण तू बाद ये जड़े बंदे आ इना ना ओ कम इना नी फरमाइश इना नी प्यार दोए बंदे सिर्फ अपने टाइम गल बाण तो शेर बोला एक दूए ने टाइम पूरी आवाम कह जानी जी इसे तरह गल्ला बाणे रवण या शेर बोलन शेर बोलन शेर बोलन ठीक है मैं ऐडा गला ना ठड़की ना ना गल बनाया जो कुछ याद आओ बाखूबी पेश कर सा इंशाल्लाह शेरा पर शेर दे सा जिधर शेरा पर शेरा निकाला ही उसने फिर सुन में रख सा फिर मैं दर्शन करा शेर बनना भाई ना मारे शेरा पर तकीर की नहीं ना ने आपने करने जो नहीं पे ही पर आज नाजर कर क्या बया कैसे पीछे कर रहा है ये बैरो में आ गया तो मैं स्टेज होने वास्ते तैयार हूँ मतलब अनीफ अनफी सरकार ना बड़ा अच्छा जा ख्याल मैं समाना दी नजर करना यहाँ फलक उते जदू आँख खोली पहले रात दे नूर नो वेखिया मैं शेर मोहतरमा अनीफ अनफी सरकार ना समाना दी नजर करना चाहा इंशाल्लाह गली जा सन छे छे वादा नहीं निकला नहीं सरकार आवाज नहीं आने रेडियो साज आ फकीर शहर सरकार ने मेरे रेडियो खुद वजदा स्टेशन मका मार सी करता सूरत सी सिर्फ परवाज आउंदा लेकिन क्या करो मेरे बेलियो करो बटन नु ऑन ए ट्यून जिस दम करो बटन नु ऑन ए ट्यून जिस दम दादा शकली शक ने भी आवाज आता सरकार आने और जिस लोग ये किया रख सा
करो रब चाहे तो तुसा नी चलनी की बंद करी सकना सूरज पढ़ने पे मिगी पता है तुम्हारी नीयत साफ ही अल्लाह ने हुक्म नाल सिस्टम सारा चलना पाया मैं ज्यादा गल्ला बने ना कह ला मैं जरा तुसा एतमाम किया इतना खर्चा किया असाने पर तुसा की दो चार असा शेर असा सराई जाए सारी जिंदगी ले रही और शेर अपने शेर ने देई सकने आनी फर्शी सरकार ने बड़ा प्यारा साडा जा सरकार ने शेर आए ऐ परमादा इंसानी दे विच अनफी रूह आदि अंदा होर कोई राज होता सरकार आवाज नहीं आने